नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम में। आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं रविश कुमार, उनकी पत्नी, पूरे परिवार को लेकर। एक खास रिपोर्ट हमारे चैनल ने आपको दिखाई भी थी रविश कुमार को लेकर, कैसे उनका इस्तीफा हुआ, क्या कुछ किया और उनकी संपत्ति को लेकर। जब भी कोई ऐसी सुपर पॉपुलैरिटी सेलिब्रिटी के बारे में जानकारी आती है तो सबसे पहले संपत्ति पर ही खुलासा होता है, उसके बाद परिवार की बारी आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज उनकी पत्नी से। रविश कुमार पत्रकारिता की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। रामनाथ कांड, यहाँ पर अवार्ड से रमोन मैक्सेस जैसे सम्मान रविश कुमार अपने नाम कर चुके हैं। पिछले करीब 2 दशक से रविश कुमार NDTV के साथ जुड़े हुए लगभग 25 साल दिए हैं। रविश कुमार शादीशुदा है और उनकी 2 बेटियां भी हैं। तो आइए जानते हैं कि उनकी पत्नी क्या कुछ करती है, जिनका नाम नयना दास गुप्ता है। जहाँ रविश कुमार बिहार के रहने वाले हैं, वहीं नयना बंगाल से बिलोंग करती है। नयना दास गुप्ता से रविश कुमार ने प्रेम विवाह किया। दोनों की मुलाकात दिल्ली में पढ़ाई के दौरान शुरू हुई। रविश कुमार दिल्ली में देशबंधु कॉलेज से BA कर रहे थे, तभी नयना इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से BA कर रही थी। बाद में नयना ने JNU से MA किया। रविश और नयना जब पहली बार मिले तो अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ा, मुलाकातें प्यार में बदली और बात शादी तक पहुंची। हालांकि तमाम आम परिवारों की तरह ही रविश और नयना के घर वालों को भी इंटरकास्ट शादी से आपत्ति थी। हालांकि समय के साथ चीजें सुधरने लगी। आज रविश कुमार नामी पत्रकार है और वही नयना दास गुप्ता दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में इतिहास यानी हिस्ट्री के प्रोफेसर है। वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार NDTV से इस्तीफा दिया तो सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। इस बीच रविश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि उनका नया ठिकाना कहाँ होगा। इसके बाद यूजर्स उन्हें बधाई देते हुए कतेरा के कई तरह के रिएक्शन देने लगे। रविश कुमार ने अपने इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, माननीय जनता, मेरे होने से आप सभी शामिल है, आपका प्यार ही मेरी दौलत है। आप दशकों से एक तरफा और लंबा संवाद क्या है, अपने यूट्यूब चैनल पर यही मेरा नया पता है। सभी को गोदी मीडिया की गुलामी से लड़ना है, आपका रविश कुमार। इसके साथ उन्होंने अपने YouTube चैनल का लिंक डाला हुआ है। बता दें कि रविश कुमार ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर कर उन्होंने बताया कि उन्होंने NDTV से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी बातें कही है। TRS नेता कृष्णन ने कमेंट किया है कि भीतर रह के जंग करना एक बात है, तब आपके साथ एक संस्था कड़ी है, परंतु अब आप इस मोड़ पर हैं जो संघर्ष को जारी रखना भी है और वो भी बिना वो संस्था के जो जानता है। और बता दें आगे आपको कि इस वर्ष आपकी रीढ़ की हड्डी थी, पर आपके साथ जनता है। आपके इस लड़ाई में तेलंगाना की ओर से हमारे समर्थन और आदर। पत्रकार यहाँ पर निखिल वागले ने लिखा, रविश हम सब आपके साथ हैं, लड़ेंगे जीतेंगे। पत्रकार रोहित विश्वकर्मा ने कमेंट किया है कि रविश, ये पत्रकारिता में आपका योगदान अतुलनीय है और आप रहेंगे, आपके बिना NDTV की कल्पना अधूरी लगती है, लेकिन संस्थान से आपके विदा होने के बाद इसकी आदत डालनी होगी। पत्रकार शिवांगी ठाकुर ने कमेंट किया कि याद रहे, पत्रकारिता का कभी अंत नहीं होता। राकेश साहू ने लिखा, प्लेटफॉर्म बदला है तेवर नहीं, उम्मीद है कि क्रांति जारी रहेगी, जय हो इकबाल बुलंद हो। पुनीत कुमार सिंह द्वारा लिखा गया, ईमानदारी बिकाऊ नहीं होती। कांग्रेस नेता संदीप सिंह ने कमेंट किया, गोदी मीडिया से लड़ना है रविश, जरूरी है। यहाँ पर एक चौहान्स थॉट के नाम के यूजर द्वारा लिखा गया है कि पत्रकारिता करनी हो तो रविश कुमार के जैसे करिए, इसको रोकने के लिए चैनल ही खरीदना पड़े और अपनी कीमत भी रविश कुमार जैसे बनाओ, जिसको खरीदने के लिए सभी लोग लगे हो लेकिन सभी फेल हो जाए, इस तरीके की बात कही गई। आगे बता दूं कि जानकारी के लिए कि रविश कुमार के इस्तीफे के बाद से सोशल मीडिया पर हैशटैग रविश कुमार और हैशटैग यूट्यूब चैनल ट्रेंड हो रहा है। इस हैशटैग के साथ लाखों लोग अपनी बातें लिख रहे हैं। गौरतलब है कि रविश कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल लिखा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया, यह इस्तीफा आपके सम्मान में है, आप दर्शकों तक का इकबाल हमेशा बुलंद रहे। आपने मुझे बनाया, आपने मुझे सहारा दिया, करोड़ों दर्शकों का स्वाभिमान किसी की नौकरी और मजबूरी से काफ़ी बड़ा होता है, मैं आपके प्यार के आगे नतमस्तक हूँ। राजनीतिक गलियारों से लेकर सामाजिक मुद्दों तक आपकी राय पूरी बेबाकी के साथ रखने वाले देश के जाने माने पत्रकार रविश कुमार ने NDTV इंडिया से इस्तीफा दे दिया और हाल ही में उन्होंने NDTV के मालिक प्रणव राय और उनकी पत्नी को यह इस्तीफा सौंपा
था। रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद से पत्रकारिता जगत में हलचल मच गई। हर कोई उनके इस्तीफे देने की वजह जानना चाहता है। हालांकि अब तक रवीश कुमार के 2 दशकों तक चैनल से इस्तीफा देने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ। ऐसे में आइए हम आपको रवीश कुमार की कुल दिलचस्प बातें बताते हैं, साथ ये भी बताते हैं कि मौजूदा समय में कितने करोड़ों के मालिक हैं और उनकी पत्नी भी। वही पत्रकारिता जगत का जाना माना चेहरा रहे रवीश कुमार बिहार के रहने वाले हैं। उनका जन्म पूर्वी चंपारण के जितवारपुर गांव में 5 दिसंबर 1974 को हुआ था। पटना के लोयला हाई स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआत पढ़ाई की। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिहापर कॉलेज देशबंधु में उन्होंने अपने ग्रेजुएट कम्प्लीट की और उसके बाद हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भारतीय जनसंचार संस्था यानी IIMS चले गए। और यहाँ साल 1996 में उन्होंने NDTV इंडिया में एंट्री की और इसके बाद वे इस चैनल का लीड चेहरा बने रहे। रवीश कुमार बीते 25 सालों से NDTV इंडिया के साथ ही काम कर रहे थे। उन्होंने हम लोग देश की बात, प्राइम टाइम, रवीश की रिपोर्ट जैसे कई टॉप TRP शो के जरिए NDTV इंडिया को पत्रकारिता जगत से एक अलग पहचान भी दिलाई थी। तो वही चलिए अब उनके बारे में और विस्तार से बताते हैं। बता दें कि आपको कि NDTV में प्रवेश किया था 1996 में और उसके बाद काफ़ी तरीके के शोज भी आए थे। रवीश के पास उनके चंपारण और नई दिल्ली में घर है। इसके साथ ही उनके पास रियल एस्टेट में भी संपत्ति है। रवीश कुमार दिल्ली स्थित घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी नयना दास गुप्ता और 2 बेटियां भी हैं। वही पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने वाले रवीश कुमार कारों के भी बेहद शौकीन हैं। उनके पास कई लग्जरी कारें हैं। वही कार कलेक्शन में मर्सिडीज, BMW और कई इंटरनेशनल ब्रांड की कारें भी हैं। पत्रकारिता में अपना दबदबा कायम रखने वाले रवीश कुमार भारतीय पत्रकारों में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वालों में से एक है। यहाँ पर साल 2022 में रवीश कुमार की नेटवर्थ 158 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें प्रतिमा 20 लाख रुपए से ज़्यादा की सैलरी मिलती है। रवीश कुमार के आय का साधन सिर्फ उनकी सैलरी नहीं बल्कि उनके कई रियल एस्टेट संपत्तियों से भी निवेश किया है। और यहाँ रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास बहुत बड़ा व्यक्तिगत निवेश है जिससे सालों तक उनकी आय बढ़ती रहेगी। रवीश कुमार की बंगाली लड़की नयना दास गुप्ता से शादी की थी। 2 बेटियां हैं जिनके बारे में इंटरनेट पर कोई जानकारी खासा उपलब्ध नहीं है। रवीश कुमार की प्रेम कहानी किसी फिल्म स्टोरी जैसी है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है उनकी लव स्टोरी, करियर अवार्ड्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर जानना चाहा तो यहाँ पर शायद कहानी ख़त्म नहीं होगी रवीश कुमार के बारे में जानने के लिए। लेकिन फिर भी चलिए जितनी जानकारी है उसके अनुसार हम आपको बता दें कि रवीश कुमार पत्रकारिता के छात्रों के आदर्श हैं और देश के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक हैं। लोग उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हैं, निजी ज़िंदगी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। उनकी लव स्टोरी को लेकर काफ़ी सारी जानकारियां हम आपको पहले ही दे चुके हैं और उसके बाद उनकी शादी भी हो गई थी। यहां पर आपको बता दूं कि कुछ सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जिसके साथ उन्हें सम्मानित किया गया वे हैं रेमन मैग्सेसेस पुरस्कार, कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार और पत्रकारिता में रामनाथ इनका उत्कृष्ट पत्रकार। यहाँ पर ये सारे पुरस्कार हैं जो उनके नाम हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से रवीश कुमार, उनकी पत्नी और उनकी ज़िंदगी के बारे में कहानी बताई। अब अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि रवीश कुमार आप लोगों को कितना पसंद थे और कितना पसंद है अभी भी। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।